अभी ये जो 2 दिन पहले घटना हुई थी, जिसमें आप सबको पता है कि 2 लड़कों का मर्डर हुआ, उसमें एक गाड़ी से कुचल के एक्सीडेंट करके मारा गया, उसमें अभी तक 3 लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा एक गाड़ी डिटेन किया हुआ है, और जो इस घटना में और भी जो लोग इन्वॉल्व थे, टोटल करीब 16 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। करीब 30 टीमें पूरे अजमेर रेंज के 30 टीमें, करीब करीब 500 से 600 पुलिस कर्मी सब जगह रेड्स कर रहे हैं, और इनकी छुपे रहने की सीकर, नागौर और चूरू और जयपुर, इस तरह अलग अलग जगह के लोकेशन मिल रहे हैं। हमारी टेक्निकल टीम भी काफ़ी काम कर रही है, और उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे इनसे, और अरेस्ट करने के बाद इनको चार्जशीट जल्दी करेंगे। इसको हमारी जो CID क्राइम की एक हीनस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है, उसमें इस केस को ले रहे हैं हम, लेके जल्दी अच्छे क्वालिटी के इन्वेस्टिगेशन करा के और एक स्पेशल पी पे अपॉइंट करके फास्ट ट्रैक में इस केस को लेके जल्दी सजा कराने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक इनके पूछताछ में यही आया कि ये एक्चुअली और कोई कुछ लड़के थे जिनसे इनकी दुश्मनी थी, उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो उनको ये मारना चाह रहे थे, इनको लगा कि उनको रेकी करने के लिए लड़के आए हुए, उनकी जो इनकी दुश्मनी जो थी, उनको लगा कि वो उस गैंग की पार्ट है, इनकी रेकी करने के लिए आए हुए, इस तरह से इनको सोच मारा। अभी तक तो पूछताछ में ये आया, लेकिन अब पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद हम बता पाएंगे। अभी तो प्रथम मतलब इनिशियल इंट्रोगेशन में ये बात कही है, नहीं अभी तो इनकी एक ग्रुप है, अभी तो हम पूरा जब सारे पकड़ में आ जाएंगे तभी खुलासा कर पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 007 इनकी, जैसे अभी जो लोग आए हुए इनकी सिर्फ एक आदमी की एक या दो के खिलाफ 2-3 केसेस है, और कोई बड़ा केसेस अभी तक सामने आया नहीं है। लेकिन जब ये सारे पकड़ में आ जाएंगे, उसके बाद इनकी जहाँ जहाँ हर थानों से जो दूसरे थानों से पता करेंगे, और जो गैंग जैसे बहुत सारे जो गैंग्स हैं जितने हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं हम लोग, और जो बड़े गैंग्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। और इस तरह के जैसे व्हाट्सएप में कभी कभी ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के अपने आप को गैंग समझ के सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, उनके खिलाफ भी हम इवन सोशल मीडिया में भी कोई हथियार दिखाता है, उनके खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ नागौर में भी और यहाँ डिडवाना में भी इस तरह से हमारे जानकारी में जैसे आएगा, पूरा पुलिस इन सबको अरेस्ट करके कार्रवाई करेगी। पुलिस देखिए, अगर जैसे जो अभी जो CCTV का फुटेज हमारे पास है, उसके बेसिस पे काफ़ी आइडेंटिफाई किया है, और अभी इस स्टेज में ये एग्जैक्टली कौन थे, कोई कॉलेज से जुड़े हुए, किसी संस्था से जुड़े हुए, वो सारे कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार सारे अरेस्ट हो जाए, उसके बाद अरेस्ट होने के बाद जब पूरी चीज़ें क्लियर होंगे तब आपको बता दें। अभी वार्ता अभी भी जारी है, अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। वार्ता में कुछ डिमांड्स परिजनों ने किया है, कुछ आर्थिक कंपेंसेशन की है, और यही जो मैंने चीज़ें कहा कि सजा कराने के लिए, प्लस इसके अलावा मतलब इनके लिए सुरक्षा, इस तरह से कुछ डिमांड्स इन्होंने किए, हम बात कर रहे हैं उनसे, और हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ सफलतापूर्वक रिजल्ट आएगा। नहीं, पुलिस की पूरे में आप जैसे आप देखिए, जब आदमी अरेस्ट करके आपके सामने लाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा। अब ये भी ये मर्डर किए हुए और भागे हुए, कोई घर पर तो मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी मतलब सिर्फ डिडवाना की करीब 30 टीमें काम कर रही है। अभी आपके पुराने SP यहाँ रहे हुए परेश देशमुख, वो खुद भी अपने पूरी टीम के साथ लगे हुए, राजेश मीणा चूरू SP है, वो अपने पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं, और काफ़ी सब जगह रेड्स कर रहे हैं। इनकी जो जहाँ जहाँ संभावित स्थान है, इनके घर है, घर के अलावा जहाँ दोस्त है, रिश्तेदार है, सब जगह हम लोग रेड्स कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है जल्दी मिल जाएंगे। नहीं, आप देखिए, टेक्निकल समस्या है, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक हम अरेस्ट नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसलिए हम कुछ परिवार को कन्विंस कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा।